हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ इस टाइप का यूआई यूएक्स डिजाइन क्रिएट करना सिखाऊंगा, वो भी चुटकियों में। दैट्स मीन आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे एआई के मदद से एक यूआई यूएक्स डिजाइन बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीका से। तो ज़्यादा ना करते अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना, आप कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और उसके बाद सर्च करना है midjourney। midjourney AI भी सर्च कर सकते हैं, उसके बाद एंटर। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन कीजिए, कुछ आपको ऐसा शो करेगा। आपको क्या करना है, ज्वाइन द बेटा पे क्लिक करना है। इसमें साइन अप कर लेंगे, आपको कुछ ऐसा शो करेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू बाइज 49 पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ ऐसा शो करेगा यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करना पड़ेगा स्लैश, उसके बाद लिखना पड़ेगा अमेजिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद ये इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा यहाँ पे रहेगा, आपको जो भी बनाना है यहाँ पर। डैट्स मीन आपको जो चीज़ यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैं कुछ आइडिया यहाँ पर लिखूंगा और वो क्या करेगा यहाँ पर जनरेट करके देगा। तो मैं इस वीडियो का पर्पस है यूआई यूएक्स वेबसाइट डिजाइन बना, तो मैं उसी टाइप का डिज़ाइन आपको बना के दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखा हूँ कंप्लीट कंपनी वेबसाइट यूआई यूएक्स V1 V2 V3 V4 5 पेजेस, जो जो मतलब मुझे उस वेबसाइट में चाहिए वो यहाँ पे मैं उसी के अकॉर्डिंग लिखा हूँ। यहाँ पे 5 पेजेस टेक्नोलॉजी कलर्स स्क्वायर्स सेपेट ब्यूटीफुल प्रोडक्ट पेज फूड क्लोथ, जो जो मुझे उसमें प्रोडक्ट भी दिखाना है कि प्रोडक्ट क्या होगा, फूड क्लोथ और शूज़ का, हमें जो जो भी चाहिए वहाँ पे, वहाँ आपको क्या करना है ऐसे यहाँ पे लिख लेना है, और उसके बाद क्या करना है एंटर कर देना है। जैसे एंटर कीजिएगा लोडिंग होगा आपको। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन डैट्स मीन आर्ट अपने आप क्रिएट होकर आते रहते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा आपका डिज़ाइन कहाँ है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपके नेट पे डिपेंड करता है कि आपका नेट कितना फास्ट वर्क करता है, उसी अकॉर्डिंग ये भी वर्क करता है। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे बहुत सारे डिजाइनिंग आ गया, इसमें से 4 डिज़ाइन आ गया, जिसमें से आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसमें से जो भी आपको पसंद है उसको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आप पहले ये 4 इमेज है, 4 इमेज में से आपको फाइंड करना है आपको सब चाहिए, आपको कौन सा चाहिए, डैट्स मीन आपके किस वेबसाइट के लिए चाहिए। अगर आपको इसमें से कोई भी पसंद नहीं तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, डैट्स मीन वहाँ पे एक दूसरा आपको क्रिएट करके देगा। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश कीजिएगा तो कुछ और वहाँ पे शो करेगा। और आपको चारों में से किसी एक चाहिए, जैसे कि ये फर्स्ट को इंडिकेट करता है, ये सेकेंड को इंडिकेट करता है, ये थर्ड वाले करता है, ये फोर्थ वाले करता है। अब मानो मुझे इसमें से, अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो जितने हैं ये इमेज है, ये क्या है, आपका एक मॉकअप के तरह से यूज कर सकते हैं, इसके एक रेफरेंस के तरह भी यूज कर सकते हैं। इसे यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एक क्रिएट डिजाइन, एक वेबसाइट डिजाइन आप उसे भी बना सकते हैं। और इस वीडियो का पार्ट 2 भी होने वाला है, जो कि मैं इस ये जो इमेजेस है इसको यूज करके मैं एक आपको वेबसाइट क्रिएट करके दिखाऊंगा, डेमो वेबसाइट क्रिएट करके दिखाऊंगा कि आप कैसे इन इमेज को यूज कर सकते हैं। उसमें मैं आपको इसमें चेंजेस भी करके दिखाऊंगा आप कैसे चेंज करते हो। उसके लिए अगर आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ, अगर 50 कमेंट भी आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर जरूर बनाऊंगा कि आप कैसे हम कैसे इसी चीज़ को चेंज करके हम एक अलग अपना वेबसाइट बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसमें जो भी चेंजेस करना है, तो उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं। तो इसमें से क्या करना, आपको जो भी इमेजेस पसंद आएगा उसको क्या करना है, चूज़ कर लेना। ये ज़्यादा ही कॉन्जुगेटेड लग रहा है, ये भी सही है, पर ये मेरे को फर्स्ट वाला सही लग रहा है सबसे ज़्यादा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे U1 सेलेक्ट करूँगा। जैसे U1 सेलेक्ट करूँगा वो जनरेट होना स्टार्ट हो गया। अब हमें नीचे वो शो करेगा यहाँ पे, तो हमें उसे फाइंड करना पड़ेगा जब वो बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने वहाँ पे रिफ्रेश किया था, तो रिफ्रेश करने के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो कोई और भी वेबसाइट बना के देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने कुछ और भी क्रिएट करके दिया यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे शूज़ वाला, ये बहुत मुझे बेहतरीन लग रहा है सबसे ज़्यादा, और ये भी अच्छा है। और देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम के साथ यहाँ पे आएगा, सिर्फ समझ में आ जाएगा ये आपका आर्ट है। यहाँ पे जैसे मेरा @gower है, तो आप जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, अब मेरे को ये आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसको, अब मैं इसे डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। मैं आप चाहे तो अपने वेबसाइट पे डायरेक्ट एज अ इमेज की तरह यूज़ कर सकते हैं, पर हमें इसे यहाँ पे जैसे कुछ टेक्स्ट हो गए, ये सारे हो गए, तो इसको भी चेंज करना है। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा उसमें आप बताऊँगा कि आप कैसे इनको चेंज करके आप इमेज एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं, फिर उसके बाद हमने वेबसाइट में भी ऐड करना आपको सिखा दूंगा। फिर मैं से क्या करता हूँ, सेव एज इमेज कर लेता हूँ और इसे डेस्कटॉप पे सेव, डाउनलोड में ही सेव कर देता हूँ इसको।
जो भी आपका नाम देना दे सकते हैं, अभी फिलहाल मैं रहने देता हूँ। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और इसे कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल को लाइक करें और सपोर्ट करें, और जल्द से जल्द मेरा 1K सब्सक्राइबर करवा दें ताकि चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाए, मेरा भी कुछ कमाए, कुछ अर्निंग हो जाए। मिलते हैं करेंट टेस्टी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।